हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं सेफ हैं, हेल्दी हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो उसका कम्युनिकेशन कब कम्प्लीट होता है, जब हम किसी को एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो कब कम्प्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके जो नोट्स हैं आई विल बी शेयरिंग एट माय ऐप दैट इज द एडिसन ऐप, जिसको मैं बीबीए के ग्रुप के अंदर और बीकॉम के ग्रुप के अंदर ये मैं डाल दूंगी। तो आप लोग वहां से इसको मेरी ऐप को डाउनलोड करके इस जो मटेरियल है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसे इसके अंदर तो इंग्लिश के अंदर है, नोट्स इंग्लिश के अंदर है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मिक्स लैंग्वेज के अंदर। इसका इंग्लिश के अंदर भी जो वीडियो होगा डैट विल बी अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल डैट इज शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। ये मेरी ऐप है एडिसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर से आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है डाटा आई विल बी शेयरिंग इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये मेरा फोन नंबर है जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये जो बिजनेस लॉ का कोर्स है इसके अंदर जो सिलेबस कोशिश की गई है कि ये बीबीए का सिलेबस भी कवर करे, बीकॉम का सिलेबस भी कवर करे, सीए फाउंडेशन का भी सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा कवर किया हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पूरा कवर किया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट जो है एज पर सीए फाउंडेशन, कंपनी एक्ट एज पर सीए फाउंडेशन जितना भी है। तो व्हाट विल बी द मोड ऑफ टीचिंग, लाइव क्लासेस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, समराइज नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, केस स्टडीज भी स्पेसिफिकली प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि सीए फाउंडेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं दे आर रिलेटेड सम केस स्टडीज, तो उस तरह के केसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी तरह ही जो प्रीवियस पेपर्स हैं या सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका जो भी एग्जाम दे रहे हो उसी के तहत आपको टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसी तरह कोई डाउट्स है तो वो भी आपके हैंडल किए जाएंगे। उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका डाउट है उसके ऊपर आपको मतलब प्रॉपर जो है पर्सनलाइज अटेंशन जो है पे की जाएगी। तो आप मेरी इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से। और इसका जो ये वाला जो मैं डाल रही हूँ इसका मटेरियल भी जो है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैं डाल दूंगी, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इस वीडियो के अंदर आई एम नॉट कवरिंग द रेवोकेशन, रेवोकेशन वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अंदर जो हमारा फोकस रहेगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो, जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएट कर रही है, तो अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है, फेस टू फेस प्रेजेंट है और पर्सन टू पर्सन नेगोशिएट कर रही है, तो इमिजिएटली एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है। जैसे सपोज कर लो ए ने बी को ऑफर दी है और बी जो है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का होता है कि उसने अपनी कोई शर्त, जैसे मैं ए ने बी से कहा कि मैं अपनी रेड मारुति 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ और बी उसको इमिजिएटली एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे उसने अपना साथ में कोई कंडीशन नहीं लगाया, तो ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड कंसेंट हो जाती है जो कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पे इमिजिएटली कॉन्ट्रैक्ट जो है बन जाता है। पर प्रॉब्लम वहां पे आती है जब, जैसे मैं सपोज कर लो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो बॉम्बे में है, तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो एक ही जगह पे सिचुएटेड नहीं है, दूसरी जगह पे सिचुएटेड है, तो वहां पे ऑफर और एक्सचेंज जो है डेट इज एक्सचेंज थ्रू पोस्ट। तो यहाँ पे जो सेक्शन 4 एंड 5 के रूल्स हैं दे आर एप्लीकेबल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज पर सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में रूल्स बताता है कि जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। तो जिस व्यक्ति को हमने ऑफर दी है, अब फिजिकली के अंदर, फेस टू फेस के अंदर, तो जैसे ए ने बी से कहा कि भाई मैं अपनी मारुति कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ, तो इमिजिएटली जैसे उसने बताया उसकी नॉलेज में आ गया, तो
तो यहाँ पे जब हम दूर बैठे होते हैं तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब जिस व्यक्ति को हमने ऑफर दिया है जब उसकी नॉलेज में आ जाता है कि हाँ मुझे ये ऑफर दिया गया है। जैसे एक्स मेक ए प्रपोजल टू वाई बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹7 लाख। एक्स ने वाई को प्रपोजल दिया कि भाई मैं अपना घर जो है 7 लाख में सेल करना चाहता हूँ, और ये उसने चिट्ठी भेज के उसको ऑफर दी। अब लेटर जो है वो 15 अप्रैल को पोस्ट किया गया और वाई के पास वो 18 अप्रैल को पहुंचा। ऑफर जो है कंप्लीट है कि जब लेटर जिसके अंदर ये प्रपोजल है और जिस व्यक्ति को दिया गया है उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, ये 18 अप्रैल को पहुंच गया। तो क्या 18 अप्रैल को हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट? नहीं, ये लेटर सेव करना ही सफिशियंट नहीं है। जिस व्यक्ति को वो चिट्ठी भेजी गई है अगर उसने ऑफर की भी नॉलेज उसकी जब उसने उसको रीड कर लिया या मैसेज को रिसीव कर लिया तब वी से कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। जैसे वो लेटर जो है 18 अप्रैल को रिसीव करता है पर रीड वो करता है 19 अप्रैल को, तो हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है 19 अप्रैल को। तो ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 19 अप्रैल व्हेन ए प्रपोजल इज मेड बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजल टू द पर्सन हुम इट इज मेड एंड ही मस्ट रिसीव एंड रीड द मैसेज। तो यहाँ पे हम देखे हैं कि ऑफर जो है जब हमने जिस व्यक्ति को ऑफर दिया है तब कंप्लीट होती है जब उसको वो लेटर मिल जाता है, और जब वो उस लेटर को रीड कर लेता है जब उसे ऑफर की नॉलेज हो जाती है। जैसे उस व्यक्ति के पास 18 अप्रैल को लेटर पहुंचा बट उसने रीड उसको 19 अप्रैल को किया, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑफर जो है डेट इज कम्युनिकेटेड डेट इज कम्प्लीट ऑन 19 अप्रैल, तब उस व्यक्ति की नॉलेज के अंदर वो चीज आ जाती है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और सेकेंड चीज जो है डेट इज द एक्सेप्टेंस जो है कब कंप्लीट होती है। ये बताने से पहले अगेन आई विल एक्सप्लेन कि दिस इज माय ऐप, तो इसको आप बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आप मेरा ये जो कोर्स है डेट इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस जिसको आप जिसके अंदर सब कुछ ही कवर किया गया है, तो नॉमिनल प्राइस के अंदर यू कुड बाय दिस कोर्स। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है डेट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल व्हाट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट जो है वो जनरल टर्म जो है प्रिस्क्राइब करता है बाय एन एक्ट कि कब हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है दी गई है बाय द ओमिशन। ये चीजें हम रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन बाय एक्ट के अंदर क्या है कि ये जो जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं तो ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकती है। जब हम रिटर्न फॉर्म में देते हैं तो यहाँ पे लेटर्स के माध्यम से दे सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से दे सकते हैं, फैक्स के माध्यम से दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं, इवन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। जब हम जबानी कहते हैं तो स्पोकन वर्ड्स के द्वारा भी हो सकती है, टेलीफोन के द्वारा भी, हम मैसेजेस के द्वारा भी उसको कन्वे कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे हम साइन के द्वारा जो है वो भी बता सकते हैं कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय अमिशन टू डू समथिंग। तो यहाँ पे जैसे किसी पार्टी को कहा जाता है कि आपने ये चीज नहीं करनी, जैसे मान लो हम कहते हैं कि आपने कोर्ट के अंदर अपेयर नहीं होना, अगर आप अपेयर नहीं होगे तो मैं आपको 50,000 दूंगा, और वह व्यक्ति जो है कोर्ट जिस दिन हेयरिंग होती है उसे नहीं पहुंचता, तो इट मीन्स कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो साइलेंस है कि जैसे साइलेंस जो होता है वो कम्युनिकेशन बाय ओमिशन नहीं होता। एक्सेप्टेंस मे बी बाय कंडक्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम एक तो होता है कि एक्सप्रेस शब्दों में कहते हैं कि हाँ भाई मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बट कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द कंडक्ट इट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जैसे हम ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं या बस के अंदर चढ़ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमें उसका किराया देना पड़ेगा। जब हम होटल में जाके खाना ऑर्डर करते हैं तो फिर हमें खाने की पेमेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वी आर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 डील करता है एज अगेंस्ट द प्रपोजल। जब देखो यहाँ पे व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें ऑफर दिया है तो
एज अगेंस्ट द प्रपोजल ये तब कंप्लीट हो जाता है जब ये एक्सेप्टर ने उसको जैसे लेटर है तो वो पोस्ट कर दिया है, अब एक्सेप्टर जो है उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर ये तब कंप्लीट होता है जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है कि हाँ भाई इसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस, बी एक्सेप्ट इज प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट ए। देखो ए जो है जिसने ऑफर दिया है ये उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट हो जाता है जब लेटर जो है ट्रांसमिशन के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है, और जो एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होता है जब ए की नॉलेज में आ जाता है और ए को वो चिट्ठी मिल जाती है। When a very proposal is accepted by a letter which is sent by the post as against the proposal when the letter of acceptance is posted as against the acceptor when the letter reaches the proposal and the proposer come to the knowledge of it। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मिस्टर बी मेक्स ए प्रपोजल टू मिस्टर ए बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख एंड पोस्टेड द लेटर ऑन 10th April 2021। द लेटर रीचेज टू मिस्टर ए ऑन 12th April। ही रीड्स द लेटर ऑन 13th April। मिस्टर ए सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 16th April एंड द लेटर रीचेज मिस्टर बी ऑन 20th April 2021। तो यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कम्प्लीट जिस दिन वो रीड आउट कर लेता है 13th April को, और एज अगेंस्ट द प्रपोजल ये 16th April जब वो लेटर जो है ट्रांसमिशन के अंदर डाल दिया जाता है, और एक्सेप्टेंस जो है जब ये लेटर जो है बी को पहुंच जाता है 20th April 2021 को। तो अगर उसी तरह एक्सेप्टेंस जब हम टेलीफोन के माध्यम से या टेलेक्स या फैक्स के द्वारा देते हैं तो ये इंस्टेंट जो है कम्युनिकेशन हो जाता है, जब आप ईमेल के द्वारा या टेलेक्स के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरिंग। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव। जैसे एक्स फ्रॉम मद्रास जो है वो अपना टीवी सेट जो है वाई जो दिल्ली में रहता है उसको बेचना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कम्प्लीट ओनली वेन वी रिसीव द लेटर एट द दिल्ली। और उसी तरह जैसे हम टेलीफोन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो वहां पे बीच में कॉल जो है ड्रॉप हो जाता है या डिस्टर्बेंस आ जाती है तो डेट कुड नॉट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह अगेन आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड माई ऐप, और ये मटेरियल जो है आई विल बी शेयरिंग एट माई ऐप।